हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टाइल इन बजट। मैंने ये बारबेक्यू की अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर की थी, तो चलिए इसे असेंबल करते हैं और यूज़ करके देखते हैं कि ये काम का है या नहीं। देखिए, इसके साथ मुझे मिले थे 10 स्क्वेयरर्स एंड ये पंप। ये इसका मेन फ्रेम है एंड इसमें स्टैंड लगा हुआ है, तो स्टैंड को ओपन करते हैं एंड इस वाली ट्रे को फ्रेम में यहाँ पर लगाना है। इस स्टैंड पर चारकोल रखकर जलाना है। जो चारकोल जलने के बाद राख होगी, जो वेस्टेज होगी, वो इस स्टैंड से नीचे चली जाएगी ट्रे में। एंड ये जो स्टील वाला पार्ट है, ये ऊपर की तरफ फ्रेम में लगेगा। इस पर स्क्वायरर रखे जाएंगे इस टाइप से। और ये है एयर पंप। ये चारकोल को हवा करने के लिए, जैसे उनको सुलगाने के काम आएगा। आगे वीडियो में आप इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एंड इसके साथ मुझे 50 रुपीज कैशबैक का कूपन मिला है। अगर हम प्रोडक्ट को 5-स्टार रेटिंग देंगे तो 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा, जो कि मैं तभी दूंगी अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। एंड ये है इसका हैंडल, इसे भी अटैच कर लेते हैं। अब चारकोल जलाने के लिए पहले 2-3 चारकोल को, जिसे लकड़ी का कोयला भी बोलते हैं, उसे गैस पर अच्छे से 8-10 मिनट तक इस टाइप से जला लीजिए और फिर इसे ट्रांसफर कर दे बारबेक्यू में। एंड इसके बाद हमने काफ़ी ट्राई किया बट ये प्रॉपर जल नहीं रहे थे। आप देख सकते हैं, हमने पेपर वगैरह भी जलाया बट चारकोल नहीं जल रहे थे। फिर हमने इसमें कपूर डाला, कपूर काफ़ी देर तक जलता है एंड इससे चारकोल काफ़ी अच्छे से जल गया। बट आप इसमें पेपर वगैरह ना डालें, क्योंकि पेपर जलने के बाद जो उसकी वेस्टेज होती है वो इधर उधर उड़ती है एंड कपूर से आपका ये चारकोल बहुत अच्छे से जल जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है, 2-3 चारकोल को गैस पर अच्छे से जला लें और उसके बाद उसे बारबेक्यू में ट्रांसफ़र करके उसके ऊपर 2-3 कपूर रख दें। जब कपूर अच्छे से जलने लगेगा तो उसके ऊपर और चारकोल डाल दें और फिर पंप से अच्छे से हवा कर दें ताकि कोयले अच्छे से सुलग जाएं। देखिए, इस टाइप से कोयले रेड हो जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 15-20 मिनट में ये कोयले अच्छे से जलने लगेंगे। एंड उसके ऊपर ये वाला फ्रेम लगा दें जो कि स्टील मटेरियल का है। एंड इसे मैंने अच्छे से डिशवॉशर लिक्विड से वॉश कर लिया था, क्योंकि इस पर ही स्क्वायरर रखे जाएंगे। एंड मीनवाइल मेरे मदर ने ये पनीर टिक्का रेडी कर लिया था, इसको मैरिनेट करके। एंड इन स्क्वायरर्स को भी मैंने अच्छे से वॉश किया था। अब देखिए, इन स्क्वायरर्स को आपको इस फ्रेम के ऊपर रखना है। अब ब्रश से या स्पून से आपको इस पर बटर या घी लगाना है। एंड देखिए कितने अच्छे से स्मोक निकल रहा है और क्या खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब आपको बारी बारी से इसको हर तरफ से रोस्ट कर लेना है। देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी है एंड मेरी फैमिली को तो ये बारबेक्यू बहुत पसंद आया। सच में ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड ये प्रोडक्ट 5-स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। अब तक हम इसे 2-3 बार यूज़ कर चुके हैं। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने इसे अपने पैसों से परचेज किया है। और अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।